शहर में अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहा है। लगातार आपराधिक वारदात हो रही है। दोपहर बाद 12:30 बजे सहायक खजांची थाना के बारीहाट में अपराधी हथियार लहराते हुए फायरिंग कर फरार हो गए। इस घटना में निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा के बड़े भाई शंकर कुशवाहा पर भी अपराधियों ने गोली चलाई। गनीमत रहा कि जान बच गई। हालांकि इसकी जांच होना अभी बाकी है। घटना की सूचना मिलते ही सहायक थाने की टीम और डीएसपी घटना स्थल पर पहुंचे। घटना के बाद भाग रहे 3 अपराधी, 4 बाइक और 1 स्कॉर्पियो को स्थानीय लोगों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस पदाधिकारी ने गुस्साए लोगों को समझा बुझा कर शांत किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। नूरुल खान ने सांसद के भाई पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर सांसद के भाई ने बताया कि मामा के घर पर अपराधी किस्म के लोग हंगामा मचा रहे थे। इसी घटना के दौरान मुझ पर भी गोली चलाई गई, जिसमें मैं बाल बाल बच गया। शंकर कुशवाहा ने समय पर पुलिस के नहीं पहुंचने का आरोप भी लगाया। साथ ही शंकर कुशवाहा ने बिट्टू सिंह गिरोह पर अपनी हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया। डीएसपी ने कहा कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला यहां पर मेरा डेरा मामा का है। मेरी मामी अकेली थी। कुछ अपराधी किस्म के लोग इसके घर में घुसे। दिन दोपहर करीब 12 बजे घर में अकेली मामी थी, कुछ बच्चे थे, न मामा घर में थे न उनका लड़का, कोई भी घर में नहीं था। इतने सारे लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, कुछ सामान को इधर उधर किया, लूटपाट भी किया। कुछ मामी जान बचाने के लिए बाथरूम में घुस गई, वहीं से सबको फ़ोन लगाना शुरू किया। उसी क्रम में हमको भी फ़ोन लगाई। जब हम यहाँ पहुँचे तब तक हल्ला हो चुका था। मोहल्ले के वासी भी सारे अपराधी घिर चुके थे। प्रशासन को भी फ़ोन किया गया और इसी बीच में जाने माने पूर्णिया के अपराधी बिट्टू सिंह का हथियार से लैस होके आए। हम लोग प्रशासन को बार बार कह रहे थे जल्दी आइए, प्रशासन आने में विलम्ब किया। 2-3 लोगों को पकड़ाया है और कुछ लोगों को बिट्टू सिंह अपने साथ छुड़ा के हथियार के बल पर गोली फायर करते हुए मुझ पर भी फायर किया, जो संयोग से मैं छुप गया, बच गया, नहीं तो आज मेरी हत्या हो जाती। कितनी की संख्या में बिट्टू सिंह की संख्या 20-25 लोगों से आए थे। 3-4 स्कॉर्पियो से था और सभी के हाथ में हथियार था और जाते जाते उन्होंने धमकी दिया है कि शंकर कुशवाहा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पब्लिक पकड़ा है, प्रशासन को सौंप दिया गया है। क्या वजह क्या लगती है? वजह कुछ भी नहीं, इन लोगों का काम ही है कि किसी के ऊपर घर में जाकर धमकना, रंगबाजी मांगना, नहीं कुछ तो जमीन का उल्टा सीधा पलाना। उसी मामले का मेरा सीधा सीधा मामला है कि ये आपराधिक मामला है। ये आपराधिक किस्म के लोग हैं, छुपा हुआ नहीं है। डकैती, लूट, रंगदारी इनका मुख्य पेशा है। और मामला दर्ज किया थाना में आप? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अभी मैं थाना दर्ज। प्रशासन कितने देर में? प्रशासन यदि सही समय पर आता तो पुलिस प्रशासन के लिए आज बड़ा गर्व का विषय होता। पूर्णिया के सारे अपराधी पकड़े जाते, कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान है। प्रशासन को जिस संख्या में जो तत्परता दिखाना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, मेरा सीधा आरोप है, उस तत्परता से प्रशासन ने नहीं लिया इस घटना को। बार बार यहाँ से फोन जा रहा है कि हथियार से लेस अपराधी घुसे हुए हैं, उससे प्रशासन सही समय पर नहीं पहुंचा। ये घटना जमीन ब्रोकर अनऑथराइज रूप से सारे शहरवासी को परेशान किए हुए है और बिट्टू सिंह नाम का क्रिमिनल जो है प्रशासन से सहायता नहीं जा रहा है। पता नहीं क्या बात है, अगर प्रशासन समय पर आती, जिस समय फोन किए हैं, मैं खुद फोन किया हूं और उसके 32 मिनट के बाद वो बिट्टू सिंह आगे गोली चलाता है। अगर प्रशासन टाइमली आ गई रहती तो आज बिट्टू सिंह या तो इनकाउंटर होता या पुलिस के गिरफ्त में होता रंगे हाथ।
आखिर प्रशासन इतने लेट से क्यों, क्योंकि अब ये उनकी क्या मजबूरी रही होगी वो समझे, ये मैं नहीं बता पाता हूँ। दूरी पर है ऐसे में मैं पहले बता रहा हूँ, उनकी क्या मजबूरी रही होगी ये वो समझे, मैं नहीं बता सकता। मैंने 45 मिनट पहले फोन किया है और 45 मिनट बाद बिट्टू सिंह आता है और मैं अपनी गाड़ी बीच रोड पर लगाकर इसलिए छोड़ता हूँ कि अगर कोई किसी तरफ से भाग इस तरफ से भागने का प्रयास करे तो नहीं भाग पाए और वो मेरा रोड पर लगाना सफल हुआ, ताकि ये जो स्कॉर्पियो यहाँ खड़ा है वो इसी होकर भाग रहा था और रोड पर गाड़ी लगी होने के कारण ये गाड़ी को यहाँ लगा के भागा है। अच्छा, गोली जो चलाई गई वो किन पर चलाई गई है? गोली शंकर भाई पर चलाई गई, और भी वहाँ सब महिला लोग थी वो लोग भी बची, 4-5 राउंड फायरिंग हुआ, हम लोग भी वहीं थे। सूचना है और छापामारी चल रही है, यहाँ के पब्लिक लोगों ने भी कुछ लोगों को पकड़ के दिया है उन लोगों को, और आगे भी कार्रवाई कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य रूप से किनका नाम आ रहा है? बिट्टू सिंह। बिट्टू सिंह, हाँ, आप जैसा बोले बिट्टू सिंह क्रिमिनल के बारे में बताया जा रहा है, उसको अभी हम मान्य आदमी लगा दिया है और उसका मूवमेंट ट्रेस करके उसको जल्दी पकड़े। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर वक्त पर आ जाती तो शायद नहीं, वो उसकी भी जाँच होगी, अगर डिले पहुँचे हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कैसे? सर, मैं भट्टा बाजार आया था से और गन्ना का रस पी का हम खीरू चौक के करीब में ही थे, तो उधर से शंकर कुशवाहा आया और शंकर कुशवाहा, नीलू और रितेश, रितेश बिड्डा गुड्डा भी कहते हैं उसको, आई नीलू जो है नीलू पटेल, नीलू से पटेल और शंकर कुशवाहा हमसे आला, वो हमसे बहुत दिन से वो टारगेट में लिए हुआ था, तुमको हम दिखा दें, आया वो हमसे आया बगज, शंकर कुशवाहा जो था वो गाड़ी में निकाल के रट चला है हमारे ऊपर, उसके बाद नीलू, उसके बाद रितेश। ये घटना कहाँ पर हुई आपके? ये भट्टा खीरू चौक आगे हुआ। खीरू चौक के आगे? जी जी, खीरू चौक। ये जो बात हो रही है कि दुर्गा बाड़ी हाट में वहाँ पर गोली वगैरह चला है? नहीं सर, गोली नहीं चला, हमको जो मार रहा था बहुत देर से रखे हुआ था, बोला इसको काटेंगे, तो कुछ हमारा परिवार के सदस्य भी आए खोजने के लिए, मेरा अपाची गाड़ी लेके चला गया, हम मोटरसाइकिल से थे, लिया चना चाबी, बोला सबको जला दो, इसको भी जला देंगे, लेके चलो घर, पकड़ के मारते मारते ले जा रहा था खीरू चौक से, पुलिस वाला आया, जो पुलिस वाला हमको जान बचाया, पुलिस वाला के शीशा का गाड़ी तोड़ दिया कि इसको हम जलाएंगे, वो अपने घर पे ले जा रहा था, गाड़ी तो ले चला गया, एक और हम साथी को तब तक फ़ोन किए तो वो आया स्कॉर्पियो से, ड्राइवर था बेचारा, वो कभी कदार भड़ा जाते थे उसे, मुन्ना मुन्ना कहते थे, वो खोजने के लिए हमको चला गया, कहाँ भैया कहाँ भैया, उसको भी बुरी तरीका मार दिया और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्कॉर्पियो कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी तो अपाची थी, और हम जो मंगाए थे साथी का, जो बोले कि थोड़ा मेरा परिवार लेकर आया जान मार देगा, कहाँ है भैया हमके लिए देखो ना, हमको खीरी चुक से पकड़ के ले जा रहा, बोला बारी हाट ले जाकर मार देंगे, तो वो गया खोजने के लिए, वहाँ वही खोजने लगा, उसको भी, उसको तो सोचिए जाने खत्म कर दिया, हमको तो मारते रहते जा रहा था, तो हमको तो पुलिस वाला आके बचाया। कितने बजे की घटना है ये? सर लगभग कितने, हमारा तो होश नहीं आ रहा कि सर हम कितने बजे कर रहे हैं सर, माता काम ही नहीं कर रहा, 10-11 बजता है 11 बजे। गोली चलने की बात बार बार सामने आ रही है, वो क्या है? नहीं, गोली की तो घटना नहीं, तो सारे आम जनता देखा खीरू चौक पे, पुलिस वाला खुद हमारे गए वहीं जी जी, मेरे तो खीरू चौक पे वो लोग बारी हाट खींच के ले जा रहा था कि इसको चलो उधर मार देंगे, ये शंकर कुशवाहा, शंकर कुशवाहा का मेन रोल है सर मारने का हमको, मेन चुनाव के लिए, समझे ना? किस बात से आप लोगों का झगड़ा चल रहा? अरे मेन सर, हमको वही वोट के बारे में आया था कहने के लिए कि चलो, तो हम कहने हम जिस पार्टी में उसी पार्टी को वोट देंगे हम सर, समझे ना? बोले ठीक है बेटा, चुनाव बात या चुनाव बात तो तुमके देखिए, कहीं तो तुम कहीं ना कहीं तुमको हम तुमको ऊपर भेज देंगे। मतलब ये पूरा जो मामला गोलीकांड का बोला जा रहा है इसमें आप कहीं भी नहीं है? नहीं सर, कहीं नहीं, गोली घटना कहीं नहीं सर, पूरा आम जनता, पुलिस भी हमारे बच्चे, हमको पुलिस छोड़ाए हैं, यहाँ भट्टे की बात, गिरु चौक की बात है, तो वहाँ की कहाँ गोली चला है? नाम क्या आपका? मेरा नूरुल खान नाम है सर। घर कहाँ आपका? ओली टोला।